Good morning, friends. Once again, welcome in our online lecture for physics. We were studying the topic magnetism and matter. And yesterday, I have taught you about the magnetic dipole moment for different cases. So, I hope you have understood that. I have given you all homework also. So I hope you have done that also. उसमें कुछ अगर आपको दिक्कत है, doubt है, तो मेरे को personally you can ask me. Are you getting my point? So today we will go again with that magnetic dipole moment. Then we will go for the short magnetic dipole. And we will try to recognize what is the formula for different positions for the magnetic field. So on the point on the axis of the dipole or the equator of the dipole. So that will be the second case. So first of all, as a revision, let me tell you M net magnitude is always equal to root of m1 square plus m2 square plus 2m1 m2 cos theta. तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका resultant magnetic dipole. डायरेक्शन कैसे होगा? डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ एम वन प्लस एम टू. सो जैसे आपका एम वन प्लस एम टू दोनों का एडिशन जैसे होगा, विच लॉ वी विल यूज? Using parallelogram or triangle law of vector addition. तो बेटा मैंने last lecture में भी आपको बताया था कि if you want to calculate the net magnetic dipole moment, then you will use this formula. So बेटा you have to keep in mind this formula is very important. VVIMP. तो अपने हिसाब से जो केस आपको बनाना है उसमें आप बना सकते हो. एंड जनरल केस मैंने क्या दिखाया था आपको? जनरल केस इसका, जनरल केस दिखाया था आपको. ये मैग्नेट ये ऐसे है, साउथ नॉर्थ, और एक मेरा, एक मैंने ऐसे दिखाया. सेम रखो, उसको कम ज़्यादा मत करो. साउथ नॉर्थ और एंगल बन गया 30. तो ये बन जाएगा, सपोज इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, ये बन गया 1, ये बन गया 2, ये बन गया थीटा. तो इसका आएगा एम वन, इसका आएगा एम टू. तो अब इसका रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है तो हम जैसे रेगुलरली अपना लॉज यूज करते हो, यहाँ पे तो अपना मैंने पैरेललोग्राम लॉ यूज किया. उसके बाद इसका जो आया ये मेरा बन गया एम नेट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. सो बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक as we will be solving the problems. So आपको ये आपके problem solving में as a very important part आपको दिखने वाला है. तो ये part है अपना VIMP. Wait for a while. There's some problem. So
एक तो ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीएस। ऑल टाइप ऑफ एंट्रेंस इंक्लूड मेजॉरिटी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड। तो ये मैंने आपको जो दिखाया है, जैसे कि यहाँ पे आपका नीट जेई, यहाँ पे आपका सी टी ऑल, ये सब एग्जाम्स में इसके ऊपर आपको एग्जाम्पल आते हैं। तो यू हैव टू कीप इन माइंड दिस सिंगल फॉर्मूला, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, ये सिंगल फार्मूला आपको यू हैव टू कीप इन माइंड, और ये जो है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर किसी भी पॉइंट पे आपको उसका अलग सा कुछ बनाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज द दिस जनरल केस, और ये जनरल केस को पकड़ के आप आगे जा सकते हो और आपका जो निकालना है वो प्रॉब्लम का आंसर निकाल सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आपको वो आंसर निकालना है तो ये आपको यूज करना पड़ेगा, ये जनरल केस बनेगा और बाद में उसका वो बनेगा। ओके, सो दैट वॉज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर अ पेयर ऑफ डाइपोल। तो बेटा अगर आपको दो की जगह, वो क्या करते हैं, व्हाट दे डू जनरली, आपको थोड़ा सा इनसिक्योर फील करने के लिए, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव है, तो कॉम्पिटिटिव में इनसिक्योर फील करने के लिए आपको वन मिनट, इनसिक्योर फील करने के लिए जनरली कॉम्पिटिटिव में आपको क्या करते हो, कभी कभी आपको कॉम्बिनेशन दे देंगे, कभी कभी आपको कॉम्बिनेशन दे देंगे, और वो कॉम्बिनेशन पकड़ के आपको क्या पकड़ना पड़ेगा, सपोज दे विल गिव यू the combination for 3। तो अगर 3 दिया तो भी डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 दिया तो भी उनका आने ही वाला है। suppose some more cases, about mnet, तो आपको क्या दे देंगे बेटा, आप एक प्रॉब्लम लेके दिखाता हूँ, हाँ, तो उस प्रॉब्लम में क्या दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये प्रॉब्लम जो मैं ले रहा हूँ ये है VIMP, ये है आपका VIMP। तो ये VIMP में आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज 3 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स आपको दिया, कितना दिया बेटा, 3 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें वो क्या करेंगे, दे विल गिव यू सपोज द कंडीशन लाइक दिस, ये एन, ये एस इसको पकड़ता हूँ, साउथ एंड नॉर्थ, तो आपको इधर का डायरेक्शन मिल जाएगा, ये एक दिया आपको आइडेंटिकल, हाँ बार मैग्नेट्स आपके आइडेंटिकल है, साउथ नॉर्थ सेम है, तो इसको छोटा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, तो दिखने भी सेम हो जाए, और एक नीचे एक दिया, तीन का केस, इसको बोलता हूँ केस वन। तो यहाँ पे ये भी 90, ये भी 90, बन गया,
यहाँ पे और एक केस देता हूँ आपको इसके बाद में करने के लिए। केस टू, केस टू में क्या दे देंगे, ये तीनों भी फिर से आइडेंटिकल, दिखने में थोड़ा सा लग नहीं रहे होगे आइडेंटिकल, लेकिन उसको पकड़ लो आइडेंटिकल। इसको साउथ बोलते हैं, इसको नॉर्थ, साउथ, इधर एक्चुअली इसको ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ मैं। तो बेटा हाउ दे विल लुक, एक तो ऐसा दिखेगा आपका, एक तो आपका ऐसा दिखेगा, एक ऐसा दिखेगा और एक ऐसा दिखेगा, हाँ बेटा। तो यहाँ पे सपोज ये एंगल थीटा दिया, ये भी थीटा दिया, दोनों भी सेम है एंगल, यहाँ पे साउथ बोलता हूँ, यहाँ पे नॉर्थ, 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 ये केस टू बन गया। तो ये जनरल, जनरल में इसका कैसे आएगा सोचो, ये तीनों भी एम बन जाएगा बेटा, क्योंकि ये भी और ये भी, ये सेम है, तो ये बन जाएगा एम, इसके साथ ये भी एम बन जाएगा, इसके साथ ये भी एम बन जाएगा, ये 90 है, ये भी 90 है। तो बेटा अभी क्या करने का, इस केस में पहले इन दोनों का निकाल के लेने का, ये निकाल के लेने का। तो पहले आपका क्या काम बनता है, यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर दिस, इसके बाद में ये निकाल के लेने का, ये निकाल के लेने का, और ये दो निकालने के बाद लास्टली आपको उसको कवर करने का, उसका दोनों का मिला के जो आएगा, इसको एक निकाला, इसको एक निकाला बेटा, तो ये बन जाएगा सपोज, इसका कितना बन जाएगा, हाँ दिखाता हूँ, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर कॉस 90, तो ये तो जीरो बन जाएगा, तो ये गया, क्योंकि इसमें 90 एंगल है, तो डायरेक्टली क्या मैं लिख सकता हूँ, 2m स्क्वायर उसका रूट, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इस चीज के लिए, कैन आई राइट दिस टू बी रूट 2m, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ रूट 2m, और इन दोनों के बीच में फिर से क्या हुआ, एंगल 90 बन गया। तो बेटा ये रूट टू एम और ये रूट टू एम फिर से जाएगा, एंड मेरे को फिर से ऐसा बीचों बीच मिल जाएगा, ये बन जाएगा मेरा एम नेट, ये कितना बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा रूट ऑफ रूट टू एम ब्रैकेट स्क्वायर प्लस रूट टू एम ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, इधर जीरो बन जाएगा क्योंकि इनके बीच में एंगल 90। अबे रूट टू एम ब्रैकेट स्क्वायर, रूट टू एम, रूट टू का ब्रैकेट स्क्वायर टू एम स्क्वायर प्लस ये भी 2m स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4m स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2m, तो इसका आंसर कितना बनेगा, m नेट कितना आएगा बेटा, इसका m नेट आपका बन जाएगा 2m। तो ऐसी ऐसी जो केस है, जिन केस में आपको ऐसे जो केस है जिन केस में आपको परफेक्टली कुछ एंगल दिया है, उसके लिए आपको ये करने का जरूरत नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं, इफ यू विल डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस देन यू विल कम टू नो दैट देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग द प्रैक्टिस फॉर लाइक दिस इश्यूज। तो इफ इट इज कमिंग 90 एंड इफ इट इज कमिंग 90, ऑब्वियसली ये तो अगर दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों का मिला क्या आएगा रूट टू एम। तो अभी ये इस लेवल पे आपको वो करने का जरूरत नहीं है, मेरे लिए आपको दिखाना that is my duty, that's why I'm showing, but whenever you will be sitting there to write to solve that problem in the exam, aapko aapka time bhi kahin pe bhi do manage karna, to agar aapko aapka time manage karna hai, if you want to manage your time, in that case you will directly add them mm, to iska aaya root 2m, okay idhar aaya root 2m, idhar beech mein fir se 90 degree angle hai, तो कहीं पे भी दो, मेरे को मालूम होना चाहिए कि मेरा नेट मैग्नेटिक मोमेंट है ये तीनों का मिला के, वो भी ऐसे आने वाला, क्योंकि ये दोनों का मिला के इधर आया, ये दोनों का मिला के इधर आया, एंड नाउ इफ दे आर एट 90 डिग्री वंस अगेन द रिजल्टेंट विल बी अलोंग दिस ओनली। तो वो रिजल्टेंट निकालने के लिए ये भी ये आप मन में कर सकते हो,
ये रूट टू एम का स्क्वायर कितना, टू एम स्क्वायर, इसका टू एम स्क्वायर, टू एम स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर कितना बन जाएगा बेटा, फोर एम स्क्वायर। तो फोर एम स्क्वायर का रूट तो बन जाएगा टू एम। तो आपको करने का भी जरूरत नहीं है, मेरा लेक्चर आपने याद रखा, ध्यान में रखा, तो शायद अगली सीईटी में, अगली नीट में, अगली जेई में, जो कुछ है आपका, जो एग्जाम है बोर्ड के एग्जाम में, जहां पर भी हो, अगर आपको इस टाइप का प्रॉब्लम मिल सकता है, अगर मिल गया तो आप डायरेक्टली उसका आंसर 2m लिख सकते हो। समझ गया बेटा? अभी इसी में मैं इसको केस 3 कर देता हूं, इसको बाद में देखते हैं, वी विल सी दिस लेटर, इसको ही लेके अभी हम दूसरा तीसरा केस और बना देते हैं। कैसे बन जाएगा बेटा? तो इसको ही अगर मैंने और एक जोड़ दिया, ये जो प्रॉब्लम दिखा रहा हूं वो मैंने जो आपको पूछा था उस प्रॉब्लम जैसा नहीं है, ये थोड़ा अलग है, मैंने आपको पूछा था वो अलग है, वो अलग टाइप से करने का, उसमें दो ही मैग्नेट थे, बीचों बीच दिया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो ये अलग है, यहां पे और एक मैग्नेट जोड़ दिया, यहां पे और एक मैग्नेट जोड़ दिया, तो अभी क्या हो जाएगा बेटा, ये और ये, अभी कैसे करने का देखो, इसको केस टू बना देता हूं, केस टू। तो बेटा इफ आई विल ज्वाइन देम, अभी केस टू बनाया मैंने, इफ आई विल ज्वाइन देम तो बेटा मेरे को क्या समझेगा, अभी इसका बन जाएगा ऊपर, इसको बोलूंगा एम, नीचे भी क्या बन जाएगा, नीचे भी बन जाएगा एम, ऊपर बन गया एम, नीचे बन गया एम, ऊपर बन गया एम, नीचे भी बन गया एम। तो अभी ये एम को कैंसल आउट करेगा, ये भी ये एम बन गया, ये भी एम बन गया, तो ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर क्या हो जाएगा, ये इसको कॉम्पनसेट करेगा, ये इसको कॉम्पनसेट करेगा। सो इन दिस केस नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना आएगा बेटा, ऑफ कोर्स इस केस में नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका बन जाएगा जीरो। तो करने का जरूरत नहीं है, तो कहीं पे भी इन द एग्जाम इज कंसर्न, इन द एग्जाम्स समटाइम्स दे विल ट्राई टू चेक योर लॉजिक। तो कैसे आप लॉजिक को पकड़ते हो और लॉजिक को लेके कैसे आप जाते हो, दे विल ट्राई टू चेक योर लॉजिक। तो भी आगे जाते हैं, केस थ्री को बनाते हैं। तो बेटा केस थ्री में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, डायग्राम भी निकाल के दिया था, तो केस थ्री में, इन केस थ्री व्हाट वी लर्न इज, मैंने आपको क्या दिया था, एक आइडेंटिकल मैग्नेट यहाँ पे दिया, वैसे ही दूसरा वाला मैंने आपको यहाँ पे दिया, ऐसे थोड़ा उसको बड़ा कर देता हूँ, वैसे ही आइडेंटिकल मैंने यहाँ पे लिया। सपोज ये थोड़ा निकालने में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन उसको ठीक से देखो आप, मतलब ये सेम है, मतलब ये ऐसा आएगा आपका, ये आपका ऐसे आएगा, और ये यहाँ पे एक्चुअली ऐसे जाएगा, यहाँ पे साउथ बन जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, ये थीटा बन गया, ये भी थीटा। अभी इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले डायग्राम निकालो, वेरी इंपॉर्टेंट, तो बेटा पहले ये आएगा, ये भी आएगा, ये बन गया थीटा, और ये भी बन गया थीटा। तो क्या करते हैं, इसको करने के लिए आपको डायरेक्टली रूल यूज करने का जरूरत ही नहीं है, दिखाता हूं। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसका, ये देखो ऊपर वाला जो m है, ठीक से देखो बेटा, ठीक से देखो, ये जो m है, यहां पे थीटा है, तो यहां पे बन जाएगा m cos थीटा, यहां पे बन जाएगा m sin थीटा, नीचे वाला जो है उसका भी काम क्या बन जाएगा, m cos थीटा, नीचे बन जाएगा m sin थीटा, सो द m sin थीटा कंपोनेंट विल
cancel out other m sin theta component. So m sin theta component due to first one will be cancelled by m sin theta component due to second one. तो अगर वो गया तो आपको कौन सा मिलने वाला है, तो लास्टली आपको क्या मिलने वाला है, आपको लास्टली m net डायरेक्टली लिख सकते हो, कितना चलेगा आपका m प्लस ये m बन गया, इसका कितना m cos theta प्लस इसका कितना बन गया m cos theta. तो कहीं पे भी निकालने के लिए डायरेक्शन तो ये चलेगा, तो डायरेक्शन लिखने का जरूरत नहीं है. m ये 2m cos theta, तो m हो जाएगा 1 प्लस 2 cos theta, बन गया. तो ऐसे करते 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 हम अलग अलग चीजों को तैयार कर सकते हैं. तो दिस डज नॉट मीन दैट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम यू हैव टू टेक, यू हैव टू सॉल्व. नो, नॉट लाइक दैट. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, चाहे आपका वो रिंग हो, चाहे आपका वो रेक्टेंगुलर कॉइल हो, चाहे आपका वो स्क्वायर कॉइल हो, ट्रायंगुलर कॉइल हो, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है. उसके लिए एन आई ए यूज करेंगे, लेकिन आपका फिर से भी होगा m, m इज इक्वल टू एन आई ए. उसमें भी m को अपना डायरेक्शन होगा. कैसे डायरेक्शन होगा, जो कॉइल है उसका जो एरिया बन जाएगा, उसका एरिया वेक्टर हो जाएगा उस एरिया वेक्टर के अलोंग. तो अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो इस एरिया वेक्टर के अलोंग इधर, अगर मैं ऐसे आ रहा हूँ तो इस एरिया वेक्टर के अलोंग इधर, तो वो भी दैट ऑल्सो विल बी हैविंग द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. दैट विल बी आस्क्ड इन योर दैट टॉपिक समटाइम्स हियर ऑल्सो एंड हियर स्ट्रिक्टली फॉर द बार मैग्नेट्स. सो एज दैट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज कंसर्न, आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशियंट, मोर देन इनफ वर्क फॉर यू टू डू दैट. तो ये मैंने सब केस आपको करके दिखाया है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू ऑल विल ऑल्सो टेक द गुड प्रैक्टिस फॉर द सेम. सो बेटर जस्ट टू नोट डाउन दैट प्रीवियस केस, आई होप यू हैव नोटेड डाउन. इस केस को भी आप नोट डाउन करके लो, पॉज करके नोट डाउन करो, हम आगे जाएंगे. नाउ After this, we will go for magnetic field due to bar magnet. So, सो बेटा एज द बार मैग्नेट इज कंसर्न, आपको मालूम है कि एज द बार मैग्नेट इज कंसर्न, देन बेटा फॉर द बार मैग्नेट आपको क्या करना पड़ता है, आपको देखो, आप ठीक से देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसमें हम एक कंसेप्ट सीखा था, ग्रेविटेशन में एक कंसेप्ट सीखा था, और अभी मैग्नेटिज्म में एक कंसेप्ट सीखेंगे. तो बेटा आई होप यू हैव स्टडीड दैट. क्या कंसेप्ट सीखा था, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, ग्रेविटेशन में ओनली अट्रैक्टिव, और मैग्नेटिज्म में भी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव. ये हो गया. इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका चार्ज. क्या होता है, चार्ज. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसका जरूरत पड़ता है, आपको चार्ज का जरूरत पड़ती है. वहां ग्रेविटेशन में आपको मास का जरूरत पड़ता है, यहां मैग्नेटिज्म में आपको किसका जरूरत पड़ता है,
पोल स्ट्रेंथ का, किसका जरूरत पड़ता है? पोल स्ट्रेंथ। तो पहले हमने फोर्स लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में? अट्रैक्टिव रिपल्सिव, ग्रेविटेशन होता है ओनली अट्रैक्टिव, और अपने मैग्नेटिज्म में कैसे होता है? अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव होता है। दूसरी चीज देखा हमने, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे हम चार्ज लेते हैं वैसे ही ग्रेविटेशन में हम मास लेते हैं दो बॉडीज का, वैसे मैग्नेटिज्म में पोल स्ट्रेंथ लेते हैं। समझ गए? सो ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखो अभी थर्ड पॉइंट, फील्ड। फील्ड ओके, यहां पे फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहां पे फोर्स पर यूनिट मास, और यहां पे फोर्स पर द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म में फोर्स ड्यू टू बार फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल। तो वो निकालने के लिए जैसे हम करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, विच लॉ वी आर यूजिंग ओवर देयर? वी आर यूजिंग बायॉट सेवर्स लॉ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द करंट कैरिंग कंडक्टर। वैसे ही in order to find out the magnetic field due to bar magnet, we express the magnetic field in form of magnetic dipole moment and distance. तो ये क्या बन गया आपका? magnetic डायपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेट, इसके बाद ये जो आर है, आर मतलब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द मैग्नेट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द मैग्नेट। सो इन ऑर्डर टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, we will use the formula which will be in the form of number 1 magnetic dipole moment of the magnet and distance of a point from the magnet. तो इसको note down करें। Okay. तो इसको लिखने के लिए आपको केस वन आता है, इसका डेरिवेशन आपको नहीं आता है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना? तो केस वन, बी ऑन एट अ पॉइंट on the axis, इसको ही बोलते हैं B axial। तो पहले हम क्या find out करेंगे? B at a point on the axis of the dipole। तो जैसे आपने आपकी electrostatics में आपका dipole का पढ़ा था, same B
आपको क्या करना है, यूज सेम टेक्निक एज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओनली रिप्लेस पी बाय एम. क्या क्या करने का आपको, रिप्लेस पी बाय एम ये काम करना है, के बाय म्यू नॉट अपॉन फोर पाई. के किससे रिप्लेस करना है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई से रिप्लेस करना है. ओके, आर वैसे ही रखना है, आर वैसे ही रखना है. और लास्ट पॉइंट, रिप्लेस क्यू बाय पोल स्ट्रेंथ. तो आपको जो क्यू जो चार्ज है उसको आपको किससे रिप्लेस करना है, पोल स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है. तो सपोज ये आपका पॉइंट पी बन गया एंड वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट. तो इसको बोलेंगे हम आर, इसको बोलेंगे आर. तो ये आपको मालूम है, ये अपना कितना लिया है, ये अगर 2L है तो मेरा ये बन जाएगा L. तो एक लेंथ बन जाएगा, सॉरी या तो यहां से साउथ पोल से कितना बन जाएगा, R माइनस L बन जाएगा, और नॉर्थ पोल से ये पूरा कितना बन जाएगा, R प्लस L. तो बेटा अपने साउथ पोल से आगे कितना बन जाएगा, R माइनस L, और नॉर्थ पोल के आगे कितना बन जाएगा, R प्लस L. हो गया बेटा, ओके. इसके बाद में लिखेंगे, इसका डेरिवेशन करने का आपको जरूरत नहीं है, मैं दिखाता हूं, खाली दिखाता हूं, ऐसा कुछ नहीं है. तो उसके लिए हम क्या टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, दैट आई विल शो यू, विच इज द टेक्निक दैट वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर. सो दैट आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी अबाउट दैट. ये बन गया, इसका फॉर्मूला आता है बी एक्सियल, वेरी इंपॉर्टेंट, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम अपॉन आर क्यू. ये फॉर्मूला लिख के लो. सो कितना बन जाएगा ये, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम अपॉन. Here, आपका m कितना बन जाएगा, m बन जाएगा 2ml, बराबर. तो ये निकालने के लिए जैसे हम Fe निकालते हैं, कैसे, k q1 q2 upon r square, वैसे ही Fm कितना बन जाएगा, mu naught upon 4 pi m1 m2 upon r square. m1 कितना, पोल स्ट्रेंथ, ईच पोल स्ट्रेंथ, और वो इक्वल रहेगा तो m m ये बन जाएगा m square. आर गेटिंग माय पॉइंट. और यहां पे ये पोल स्ट्रेंथ का ध्यान में लेते हुए आपको ये ईच हो गया ना, लेकिन हम एक पोल का एडजस्ट करेंगे, दूसरा पोल तो वन पकड़ेंगे, तो ये दूसरा वाला है, दूसरा वाला आपका कैसे बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका सिंपल में, जैसे हम यहाँ इसके लिए एक को यूनिट पॉजिटिव चार्ज पकड़ते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पकड़ते हैं, वैसे ही एक को हम यूनिट पकड़ेंगे एम अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन ये एम है आपका स्मॉल, तो ये बन जाएगा पोल स्ट्रेंथ. ठीक से देखो बेटा, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफ ईच पोल, तो वही पे भी ये आर स्क्वायर बन जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द पोल.
तो जिस पोल को आप कंसिडर करते हो उस पोल के लिए ये आपका वाजिब रहेगा. देन यूज दैट, यूज दिस फॉर ईच पोल. मतलब इस पॉइंट पी को अगर हम कनेक्ट करेंगे, ठीक से देखो बेटा, सब चीज बता देता हूं आज तो, इसका पूरा एकदम आपको कैलिडोस्कोप निकाल के देता हूं, पूरा स्टडी आराम से बैठ के स्टडी करो और एकदम मजे लो. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू. पक्का है क्या हम चालू करें? ओके, सो विल स्टार्ट विद दैट. तो बेटा फॉर टुडे द स्टफ इज दैट, ये मैंने आपको सिखाया अभी. तो जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या करते थे, आपको मैं उसका एक ओवरव्यू लेके दिखाता हूँ. ये अब मैंने पॉइंट लिया. ओके, तो यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया था मैंने और इसको बोला था मैंने टेस्ट चार्ज. तो यहाँ पे मैंने क्या लिया था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. आई हैव मेड दैट टू बी माय टेस्ट चार्ज एंड इसको बोला था मैंने सोर्स चार्ज क्यू. यहाँ पे वन चार्ज का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना लिया था मैंने, वन लिया. तो उस पॉइंट को मैंने फोर्स कैसे निकाला था, के क्यू इंटू वन अपॉन आर स्क्वेयर. तो वैसे ही यहां पे सोर्स पोल ले लो, ये अपना बनाया हुआ है समझने के लिए, ऐसा कुछ थ्योरी नहीं है. लेट मी एक्सप्लेन यू, लेट मी टेल यू एट फर्स्ट ओनली, आपको समझाने के लिए ये कैसी बातें ऐसे रिलेवेंट होती है, इसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूं. जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में लिया था कि एक सोर्स चार्ज देते हैं और एक टेस्ट चार्ज देते हैं, टेस्ट को हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, ये तो थ्योरी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखते हैं. वैसे ही अंडरस्टैंड करने के लिए लेट मी टेल यू, यू जस्ट कंसिडर, 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 थ्री टाइम्स बोला है मैंने, कंसिडर करो. क्या कंसिडर करो, एक तो मेरा नॉर्थ पोल है, नहीं तो मेरा साउथ पोल है, तो एक पोल कंसिडर करो. सो सोर्स पोल, जैसे हमने यहां पे आर दिखाया था, तो एट ए डिस्टेंस ऑफ आर एक यूनिट पोल स्ट्रेंथ का, यूनिट पोल स्ट्रेंथ जिसका है उसका एक टेस्ट पोल कंसिडर करो. और कैसा पोल कंसिडर करो, ऑलवेज नॉर्थ. मतलब ये इतना करने का जरूरत नहीं है, आप क्या कंसिडर करो, पोल स्ट्रेंथ इसका कितना लेने का, पोल स्ट्रेंथ प्लस वन ले लो, प्लस मतलब नॉर्थ के लिए. और ये वैल्यू ऑफ एम, तो जो प्लस एम लिखने वाले थे उस प्लस एम की जगह आप क्या लिखोगे, प्लस वन. तो अभी आपका फोर्स कैसे बन जाएगा, तो आपका फोर्स बन जाएगा, योर फोर्स विल बिकम, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आई कैन डायरेक्टली राइट माय फोर्स विल बिकम F is equal to mu naught upon 4 pi m. ये इसका बन गया plus m. अगर मैंने north लिया तो, north लिया तो plus m into plus 1 upon r square. तो कितना बन गया, mu naught upon 4 pi m upon r square plus, plus मतलब ये बनेगा repulsive. इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या बन जाएगा, तो बेटा मतलब है कि अगर मैंने एक बार मैग्नेट लिया, यहाँ पे उसका नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ है, अगर दूसरा कोई मैग्नेट यहाँ पे आएगा देन दिस नॉर्थ पोल विल रिपेल. अगर दूसरा कोई मैग्नेट आता है उधर देन द नॉर्थ पोल विल रिपेल द नॉर्थ पोल. ऑन द अदर हैंड इफ द साउथ पोल इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ दैट एनीवेयर देन द नॉर्थ पोल विल ट्राई टू attract that south pole. तो मैंने यहाँ पे एक मेरा magnet लिया है, इसका north pole है, इसका south pole है. ये north pole है. अगर दूसरा magnet जिसका north pole इसके सामने आएगा, तो of course आपने देखा है, हाँ childhood से आपने देखा है, क्या हो जाएगा बेटा? तो ये जो north pole है,
ये क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। कौन रिपेल करेगा, ये मेरा सोर्स है। तो इसको सोर्स पकड़ो, इसको टेस्ट पकड़ो। टेस्ट मतलब इसका पोजीशन कितना है, 1। तो m1 m2 में वो m2 लिखने का जरूरत नहीं, और m1 का पोजीशन अपन को मालूम है कितना है, वो है आपका m। तो ये m * 1 r2, ये बन गया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या बन जाएगा, रिपेल। तो पॉजिटिव बन जाएगा रिपेल, द सेम टाइम नेगेटिव विल बिकम अट्रैक्ट। पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव अट्रैक्ट। तो पॉजिटिव बन गया अपना रिपल्सिव। इसको नोट डाउन करके ले लो, लेकिन ये अपना थ्योरी बनाया हुआ है, किसी भी बुक में ऐसा लिखे हुए नहीं मिलेगा। वो डायरेक्टली उसका फॉर्मूला लिख देते, ये फॉर्मूला लिखे उसका डेरिवेशन करके। तो लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, सर ये फोर्स जो आपने यूज किया है v0 / 4π m / r2, ये कैसे आता है? फॉर दैट सेक ओनली आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस वन। तो ये किसी को बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन खुद को समझने के लिए अपन खुद का फायदा देखने के बेटे। आपका फायदा क्या है, आपको वो चीज समझना चाहिए, ये कैसे आता है। तो v0 / 4π m / r2 ये कैसे आता है, तो ये आता है ऐसे। तो क्या करने का, एक सोर्स पोल ले लो, मतलब जैसे हम उधर सोर्स चार्ज लेते थे, एक सोर्स पोल ले लो, यूनिट सॉरी सोर्स आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लेकिन यहाँ पे कौन सा लेने का, जैसे वहां पे हम टेस्ट चार्ज लेते हैं, दैट वाज अबाउट द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल ले लो और उसका पोल स्ट्रेंथ यूनिट 1 ले लो। तो यहाँ पे आपने नॉर्थ पोल लिया, ये भी मेरा नॉर्थ पोल था, नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऑफकोर्स आई एम गेटिंग इट हियर, हियर इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। अगर दोनों भी पॉजिटिव है तो मेरा ये पॉजिटिव बन जाएगा। इसको नोट डाउन करो, अगर कहानी में ट्विस्ट, देयर इज अ ट्विस्ट इन द कहानी, इन द स्टोरी, अगर यहां पे अगर मैंने अभी इसको नॉर्थ ही रखा, मैंने इसको नॉर्थ ही रखा, लेकिन यहां पे अगर मैंने इसको नॉर्थ ही रखा, यूनिट पॉजिटिव नॉर्थ पोल, तो मतलब इधर यहाँ पे प्लस 1 ही रखा, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू प्लस 1 ही लिखो। अब यहाँ पे अगर साउथ पोल है, सोर्स कौन सा है अभी, साउथ पोल है, तो क्या हो जाएगा, अगर सोर्स साउथ पोल है तो इसका बन जाएगा माइनस m। तो फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस m, यहाँ पे प्लस 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे मेरा इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव साइन आई विल गेट अ नेगेटिव साइन, एंड इन दैट केस माय फोर्स विल बी क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। इसके लिए, इसी के लिए अगर किसी भी मैग्नेट के सामने, साउथ पोल के सामने दूसरा नॉर्थ पोल आएगा, अब ये नॉर्थ नहीं, अब ये साउथ और ये नॉर्थ है, तो अट्रैक्ट करेगा, कितने फोर्स से, नॉट अपॉन फोर पर एम अपॉन अर्थ। समझ गए, पक्का समझ गए, ओके कोई बात नहीं, आराम से करो इसको। अभी हम डेरिवेशन के लिए जाते, तो डेरिवेशन कैसे बन जाएगा बेटा वो भी दिखा दो, हाउ द डेरिवेशन विल बी फॉर्म। तो एफ नेट कैसे आएगा, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड निकलते, फोर्स निकालने का जरूरत नहीं। तो बी नेट कैसे आएगा, तो बी एक्सियल का मतलब क्या होगा, वो होगा बी नेट, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। क्या बन जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, वो कैसे बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल। तो ये कैसे बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, और ये क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल। तो अभी मेरा फॉर्मूला कैसे था, तो मैंने आपको वो दिखाया था ना, सॉरी वो मैंने दिखाया था ना, फोर्स नहीं, उसको जरा रिवाइंड करो, उसमें एफ नहीं करोगे, सॉरी वेरी सॉरी, वो बाय मिस्टेक हुआ था, एफ नहीं लिखना है आपको, उधर बी लिखना है, सॉरी। तो मैंने जो एफ लिखा था ना, एफ इज इक्वल टू जी, इसको बी करो, बी उसको थोड़ा सा बी करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, जो मैंने दिया था आपको एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई
क्या दिया था, एम अपॉन आर स्क्वायर, हाँ उसको क्या करो, बी इज इक्वल टू करो, वेरी सॉरी वो बोलने के चक्कर में वो लिखने का मेरा एफ हो गया था, वो फोर्स नहीं फील्ड, फील्ड है ओके, वो फील्ड है। फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, वो वन, उसको वन किया ना, उसको वन किया तभी अपना वो क्या फील्ड बन गया, एफ अपॉन क्यू, तो एक को हटा दिया, तो बी क्या बन जाएगा आपका, सिंपल है जैसे ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू आता है आपका, वैसे ही आपका बी क्या बन जाएगा, एफ अपॉन एम, एम क्या पोल स्ट्रेंथ, तो ये एफ निकाला आपने, तो उधर जो आपने एम एम लिखा था एक एम कैंसिल हो गया और डायरेक्टली आपका क्या बन गया, फील्ड बन गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो फील्ड लिखने के लिए क्या लिखोगे आप, बी ड्यू टू साउथ पोल, मैंने क्या बोला था अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अट्रैक्टिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अट्रैक्टिव, कैसे, मतलब पी पॉइंट को क्या करोगे, पी पॉइंट को आप समझोगे कि यार पी पॉइंट पे एक नॉर्थ पोल है, नॉर्थ ही लेने का, क्योंकि दोनों में ना आपके पास साउथ और नॉर्थ, तो ऐसा फ्लिप नहीं करने का, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका गलती होने का चांस है, तो पी पॉइंट क्या कंसिडर करेगा, पी पॉइंट पे एक नॉर्थ पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ वन है, तो उसको ये क्या करेगा, उसको एक अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये साउथ है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्टिव बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन आर स्क्वायर, अभी आर, आर कौन सा आएगा, ये नहीं आएगा, तो आपका आर बन जाएगा आर माइनस एल ब्रैकेट स्क्वायर, वही उसी पॉइंट को अगर आप इधर देखो सब, कि इसको नोट डाउन करके लो, उसी पॉइंट को अगर आप ले लोगे बी ड्यू टू नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ क्या करेगा बेटा, नॉर्थ इसको रिपेल करेगा, नॉर्थ इसको रिपेल करेगा, तो यहां पे लिख देते हैं यहां पे लिख देते हैं नॉर्थ इसको रिपेल करेगा, तो कैसे आ गया बेटा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन, ये कितना आएगा, ये सेंटर से कितना बन गया आर, और इसके आगे एल बन गया, तो ये एक मिनट ध्यान में रखो, मैंने मैग्नेटिक लेंथ कितना लिया है, मैग्नेटिक लेंथ आई हैव टेकन आर, सॉरी कितना लिया है, मैग्नेटिक मैंने लिया है 2L, कितना लिया है 2L, इसके चलते आधा उसका कितना बन जाएगा L, इधर का आधा कितना बन जाएगा L, डिस्टेंस मैंने कहां से लिया है आर, डिस्टेंस इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, यहां से लिया है, इसीलिए अगर साउथ पोल से कंसीडर करोगे तो L इतना डिस्टेंस कम हो जाएगा, वही पे नॉर्थ पोल से कंसीडर करोगे L डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो मेरा रेगुलर डिस्टेंस कितना है R, तो साउथ के लिए R माइनस L, तो नॉर्थ के लिए कितना बन जाएगा R प्लस L बन जाएगा, आर गेटिंग माय पॉइंट, तो यहां पे मैं इधर लिख सकता हूं R प्लस L ब्रैकेट्स के, ओके बन गया, अब ये कुछ नहीं है मैथ से, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो इसका अगर आप ये करोगे, इसका मैग्नीट्यूड वगैरह निकालोगे, तो उसके चलते आपको ये सब ऑपरेट करके, और m कितना आएगा, 4 ml आएगा, उधर ऊपर कितना आएगा 4 ml, और नीचे कितना आएगा r, r क्यूब क्यों होता है, ये भी है कि आर क्यूब, मतलब जैसे हम डायरेक्शन का सेंस लिए थे, आर कैप निकालते हैं ना, इसको भी आएगा ना, इसको आर कैप आएगा, इसको भी आर कैप आएगा, तो आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, आर कैप कितना आएगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे आर कैप का कितना वैल्यू हो जाएगा आर माइनस एल, यहाँ पे आर कैप का कितना वैल्यू हो जाएगा आर प्लस एल, तो इसी को भी मेरे को लिखना है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, ये आर कैप लिख सकता हूं और इधर आर लिख सकता हूं, लेकिन मेरा आर कितना है, तो ये मेरा बन जाएगा आर माइनस एल, तो यहां पे भी आर माइनस एल, तो इसका क्यूब बन गया, तो ये जो चीजें है वो आप कर सकते हो, वो करने के बाद आपको
क्या मिल जाएगा ये में आपको, ये डेरिवेशन इट इज नॉट देयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम, सो आई एम नॉट गोइंग टू शो यू द डेरिवेशन, लेकिन उसके ऊपर फॉर्मूला तो हरदम आना ही आना है। तो उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो ये बनेगा मी एग्जैक्ट, और ये करने के बाद आपको क्या मिलेगा बेटा, ये करने के बाद आफ्टर डूइंग दिस यू विल गेट बी एक्सियल, कैसे मिलेगा आपको, आफ्टर डूइंग दिस यू विल गेट बी एक्सियल टू बी इक्वल टू, एक मिनट, इसके बाद आपको मिल जाएगा बी एक्सियल, वन मिनट, इकड़े घूमिए बी एक्सियल कितना मिल जाएगा, ये जो मैंने लिखा है वो आपको मिल जाएगा, मी नॉट अपॉन फोर पाई टू एम अपॉन आर क्यू। इसका डेरिवेशन देखने का जरूरत नहीं है। ओके, तो ये बन गया आपका केस वन, हो गया बेटा, ये बन गया आपका केस वन, इसको नोट डाउन करो। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ इफ विल गो फॉर डूइंग इक्वेटोरियल, एक्सियल बन गया 2m अपॉन आर क्यू। नाउ केस टू कैसे बनाते हैं, केस टू बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब उसके इक्वेटोरियल, मतलब इसको लिखते हैं इक्वेटोरियल। तो यहां पे फॉर्मूला कैसे आता है, तो फॉर्मूला डायरेक्टली आपको बता देता हूं मैं, और वो कैसे आता है उसका हिंट भी दे के रखता हूं। बी इक्वेटोरियल आता है मी नॉट अपॉन फोर पाई, सब सेम आता है, खाली यहां पे 2m नहीं आता है, m, m अपॉन, ओके। तो यहां पे इंस्टेड ऑफ दैट इट कम्स m upon, यहां पे डायरेक्शन कैसे बन जाएगा, डायरेक्शन डिस्टेंस किसका काम ज्यादा है वो आपको समझेगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन यहां पे डायरेक्शन समझने के लिए आपको निकालना, फिर से निकालना पड़ेगा आपका इक्वेटोरियल पोजीशन, तो इसको पोजीशन को निकाल के देता हूं। तो वैसे ही ध्यान रखो, एक मैग्नेटिक डायपोल है, तो ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया, ये नॉर्थ साउथ के बीच में मैंने 2L डिस्टेंस ले लिया, ठीक है पक्का, ये सेंटर बना दिया डायपोल का, और ये सेंटर बनाने के बाद आई हैव टेकन द नॉर्मल, हाउ आई हैव टेकन द नॉर्मल, इसको ऐसे पकड़ लिया, तो ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और यहाँ पे मैंने मेरा पॉइंट P पकड़ लिया। तो अगर P नॉर्थ पोल है, P नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा B ड्यू टू नॉर्थ पोल, और साउथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो B ड्यू टू साउथ कैसे आएगा, ऐसे आएगा, और कहीं पे भी आपका नॉर्मल, ये आपका जो है फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, ये बन जाएगा B इक्वेटोरियल, नहीं तो इसको ही बोलते हैं B नेट। तो ये लाइन और ये, तो ये कितना बन जाएगा थीटा, ये भी थीटा बन जाएगा, ये टू थीटा बन गया, ये थीटा, ये भी थीटा, ऐसा आपका वो डेरिवेशन है। लेकिन वो डेरिवेशन देखने का आपको ज़रूरत नहीं। तो इस आर्टिकल में हमने देखा, और ये डिस्टेंस को लेते हैं आर, डिस्टेंस को लेते हैं आर, तो ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस कितना बन जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये फॉर्मूला में यूज करते हैं, यूज करके उसको बी एन निकालते हैं, बी ड्यू टू नॉर्थ पोल, देन वी विल फाइंड बी ड्यू टू साउथ पोल। उसके बाद में वेक्टर एडिशन वी विल डू, आफ्टर डूइंग द वेक्टर एडिशन यू विल गेट द फॉर्मूला एज यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन आर क्यू। So friends, in this way, we have learned today
about the magnetic field due to a bar magnet. So just note it down. So beta, after doing this, now we'll go for another thing. वो अनदर थिंग क्या है, उसको बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म. अर्थ मैग्नेटिज्म. ओके, तो ये होने के बाद इसके पहले मैं क्या कर देता हूं, आपको आज क्या काम करना है, आज का होमवर्क लिख के लो. तो टुडेज होमवर्क इज दैट आई विल चेक टुमारो. नंबर वन, रीड NCERT. क्या क्या रीड करना है? फर्स्ट टू पेजेस ऑफ दिस चैप्टर. इन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स जितना मैंने अभी तक सीखा है उसके ऊपर अगर आपको कुछ इन टेक्स्ट प्रॉब्लम मिले, नहीं तो प्रॉब्लम्स इन एक्सरसाइज. जितना आज मैंने सीखा है, ऑल द प्रॉब्लम्स इन आइदर इन टेक्स्ट और जो आपको प्रॉब्लम्स में मिलेगा एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सेक्शन में, वो आपको कंप्लीट करना है. अगर नहीं आया, एट एनी टाइम यू मे आस्क मी. ओके, अपना डाउट सेशन भी है, उसमें भी आप पूछ सकते हो. सो दैट इज नॉट अ बिग इशू, आप पूछ सकते हो मेरे को, नो प्रॉब्लम. बट लेकिन यू हैव टू ट्राई फॉर दैट, ट्राई करो. सेकेंड एंड फर्स्ट चीज क्या है बोला मैं आपको, रीड एनसीईआरटी फर्स्ट टू पेजेस ऑफ दिस चैप्टर. वो वेरी इंपॉर्टेंट. ये चैप्टर बनता है क्लासिकल मैग्नेटिज्म की तहत. ओके, एंड रेफर PDF पेज गिवन टुडे. एक PDF पेज दिया है मैंने, एक आपको PDF पेज दिया है, वो आप आज रेफर करो. एक बुक है मेरे पास, उसका मैंने स्नैपशॉट लेके आपको भेजा है. उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डायपोल उसके प्रॉपर्टीज और वो रोटेशन वगैरह के लिए वो यूज कर, दो तीन पॉइंट है वो अपने को डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है. वो मतलब क्या, मैग्नेटिक डायपोल, डायपोल के लिए नंबर वन फोर्स एक्टिंग एंड टॉर्क. तो अगर मैं मैग्नेट एनसीईआरटी में है अपने, लेकिन वो थोड़ा एकदम सिंपल में, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए भी निकलते हैं, टॉर्क एक्टिंग भी इसके लिए निकलते हैं, और फोर्स एक्टिंग भी इसके लिए निकलते हैं. मतलब अगर मैंने मैग्नेट को और ये चीज़ सब अपने जो हम मैग्नेटिक नीडल वगैरह यूज करते हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर वगैरह यूज करते हैं, उसमें ये सब चीज़ आता है. तो इसमें क्या आता है, अगर मैंने मेरा मैग्नेट एक बाजू को मैग्नेटिक फील्ड है सराउंडिंग रीजन में और उधर रख दिया, तो ऐसे ही नहीं रहेगा. इट विल ट्राई टू टिल्ट, इंक्लाइन और ट्राई टू रोटेट अकॉर्डिंग टू द गिवन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सराउंडिंग रीजन. तो वो सराउंडिंग रीजन में ये कैसे बिहेव करेगा, दैट विल बी पर्टिकुलरली गिवन बाय यूजिंग दैट टॉर्क एंड ऑल डेरिवेशन. इट्स वेरी सिंपल, खाली एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को याद में रखना है. नेक्स्ट लेक्चर को वो मैं आपका उसका छोटा सा डेरिवेशन दे दूंगा, जैसे मैंने आज आपको इक्वेटोरियल एक्सियल केस का डेरिवेशन बता के दिखाया. इन द सेम वे आई विल शो यू द मैग्नेटिक डायपोल ऑल्सो, फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल एंड टॉर्क. ये आता है आपको MB साइन थीटा, ये तो सिंपल है, पर फोर्स हो गया तो आपका सेम बी क्यू इंटू वी. मतलब अगर वो मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कितना फोर्स हो जाएगा, अगर मूव हो रहा है तो फोर्स आता है ना उसके ऊपर, वो आता है BQV. मतलब लॉरेंस फोर्स जैसे यूज करते हैं वैसे है.
लेकिन उधर हम कैसे लिखते थे, थोड़ा सा अलग लिखते थे, कंडक्टर होता था ना, तो आई इंटू एल क्रॉस बी लिखते थे। यहाँ पे सेम लॉरेंस फोर्स, ऐसे क्यू इंटू वी क्रॉस बी, लेकिन वो चार्ज नहीं है ना, तो चार्ज के लिए बी क्यू वी करेंगे। तो ये मैग्नेट के लिए क्या करेंगे वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। सो दैट इज ऑल्सो देयर, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट टॉर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, एम बी साइन थीटा, ओके, और पोटेंशियल एनर्जी, ओके, वो आता है कॉस थीटा, एम बी कॉस थीटा। सो दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर फॉर यू, एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रेगुलरली गो थ्रू यूर पेंडिंग वर्क। जो मैं फीडबैक लेता हूँ, बाकी के भी लेते हैं, बहुत बच्चों का फीडबैक में अभी तक उनका पेंडिंग वर्क, कौन सा भी सब्जेक्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, कौन सा भी सब्जेक्ट हो, उसके लिए पेंडिंग वर्क बचा है अभी। सो बेटा ट्राई टू कंप्लीट योर पेंडिंग वर्क, ओके, क्योंकि ये ऐसा कब तक चलेगा, वी आर नॉट नोइंग दैट। तो अपन को अपना काम ठीक से करना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है। तो अभी कितना टाइम बचा है देखते हैं, नहीं तो वी विल गो फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ठीक है, आज मैं उसका स्टार्ट करके रखता हूँ, टुमारोज लेक्चर वी विल गो एज अ डीप डाइव इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सो बेटा अर्थ इज एक्चुअली ह्यूज मैग्नेट, अपना अर्थ है ना, वो एक बड़ा वाला ह्यूज मैग्नेट है, और उसके कोर में आपको मालूम है, उसको लावा बोलते हैं, ज्वालामुखी वगैरह वोल्केनो वगैरह होते हैं ना, उसका जो ये होता है, तो उसके कोर में एक मैटर रहता है, वो घूमते रहता है, पूरा घूमते रहते हैं। एक और बात, ये घूमने से क्या हो जाता है, उसमें चार्ज भी होते हैं, एट हायर टेम्परेचर वो घूमते रहता है। तो ये घूमने से क्या होता है, सेंटर में जैसे एक मैग्नेट ही है, सेंटर में जैसे एक मैग्नेट ही है, ऐसा अर्थ एक्ट करती है और उसको देन खुद का मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है, खुद का मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा। तो अभी क्या होता है, इसके चलते अर्थ को दो पोल होते हैं, अर्थ को दो पोल होते हैं, एक को बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, और इस मैग्नेटिक फील्ड के चलते और एक होता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। वैसे ही साउथ में होता है जियोग्राफिक साउथ, मैग्नेटिक साउथ भी होता है, इसको बोलते हैं एसएम। तो अभी तो हम ये ज्योग्राफिक तो अपन को मालूम होता है, और ये ज्योग्राफिक साउथ और नॉर्थ, ये तो आपको मालूम है, जैसे हम नॉर्थ पोल अर्थ तक आप पकड़ते हैं, तो अपना ज्योग्राफिक साउथ, ज्योग्राफिक नॉर्थ हुआ, और अपना साउथ पोल, तो ये बन गया ज्योग्राफिक, ज्योग्राफिकली कैसे हम उसको पकड़ते हैं वो बन गया। लेकिन एज अ फिजिक्स इज कंसर्न, एज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज कंसर्न, ये जो दो है इसके चलते क्या होता है, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता अर्थ के लिए, देन वी वुड हैव नॉट सर्वाइव, अपन तो सर्वाइव कर ही नहीं पाते। क्योंकि क्या होता है, the very 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 much important part of magnetic field of earth is that jo sun se kuch radiations aate hain, ya ultraviolet wagera wo nahi,
विंड की तरह आते हैं. डू यू नो विंड राइट नाउ जस्ट बिफोर सम डेज वी हैव सीन दैट नेचर साइक्लोन वो एयर का था. एयर इधर उधर घूम रही थी किस कितने स्पीड से 90 100 120 किलोमीटर पर आवर इतना स्पीड से घूम रही थी एयर पास विंड का था साइक्लोन विंड का था तो उसको बोलते हैं विंड. वैसे ही सन से एक तूफान आता है उसको बोलते हैं सोलार विंड्स. तो जैसे हवा का झोंका आता है वैसे ही ये सोलार विंड्स आते हैं. हवा के नहीं मतलब सन से कुछ रेडिएशन इमिट होते हैं वो उसको बोलते हैं सोलार विंड्स. सो आवर मैग्नेटिक फील्ड इज देयर ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड द सोलार विंड्स आर नॉट एबल टू टच अस एज द अर्थ हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रिवेंट अस फ्रॉम द सोलार विंड्स. सो दिस इज द वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट यूज ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. क्या है जो सोलार विंड्स होते हैं उससे अपना बचाव करते हैं एंड फॉर बिकॉज ऑफ दैट ओनली देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ. अदरवाइज ड्यू टू सोलार विंड्स अर्थ स्ट्रक्चर वुड हैव बीन वैनिश्ड अप टिल नाउ. कितने बहुत सालों के पहले ही हुआ होता अगर इसको ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता. सो बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओनली व्हाट हैपेंस अर्थ इज एबल टू सर्वाइव अगेंस्ट द सोलर विंड्स. तो मैंने क्या बताया फिर से बता देता हूँ. अर्थ के कोर में ओके मटेरियल होता है एट हाइयर टेम्परेचर बॉइलिंग लाइक दैट एट हायर टेम्परेचर. तो मैटर बोलते हैं उसको हम अभी उसको लावा भी बोलते हैं वो सब मैग्मा उसको बोलते हैं मैग्मा. तो मैग्मा घूमते रहता है और मैग्मा की घूमने की वजह से उधर पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल जैसे घूमते हैं वैसा कुछ होता है एंड ड्यू टू दैट इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग रीजन ऑफ द अर्थ. तो उसके चलते हाइपोथेटिकली वी कंसिडर दैट अर्थ एज अ बिग मैग्नेट. सो वॉट एवर इज देयर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ सपोज देयर इज अ बिग एंड बिग मैग्नेट वेरी 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 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड ड्यू टू दैट वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अर्थ इज गेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड. सो एक्चुअली वॉट इज द फिनोमेनॉन वॉट आर दिस पोल्स वॉट इज जियोग्राफिक साउथ पोल वॉट इज जियोग्राफिक नॉर्थ पोल वॉट इज मैग्नेटिक साउथ पोल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ईच एंड एवरीथिंग वी विल हैव अ डिस्कशन इन द टुमारोज लेक्चर. सो टुडे आई विल सजेस्ट यू टू वॉट एवर द होमवर्क आई हैव गिवन यू यू गो थ्रू दैट एंड टुडे वी विल स्टार्ट विथ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ और अर्थ मैग्नेटिज्म एंड टुडे वी विल टुमारो वी विल लर्न एंगल ऑफ डिप एंगल ऑफ डेक्लिनेशन साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ जोग्राफिक नॉर्थ जोग्राफिक मैग्नेटिक मेरेडियन बहुत सारी चीज़ें. सो टुमारो बी रेडी टू राइट डाउन ऑल द डेफिनेशंस वॉट एवर आई एम गिविंग यू फटाफट पूरा डेफिनेशन पूरा करके रखेंगे एंड देन वी विल गो फॉर अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली वॉट आर दे. सो थैंक्स अ लॉट थैंक यू वंस अगेन टुडे वी शैल स्टॉप हियर टुमारो वी विल कम अप विद ऑल अबाउट द अर्थ्स मैग्नेटिज्म. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द लेक्चर केयरफुली. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट कुछ भी पॉइंट अगर आपको समझा नहीं है तुरंत के तुरंत यू जस्ट कॉल मी यू जस्ट पुट द मैसेज आई विल ट्राई टू रिजॉल्व यूर क्वेरी नॉट ओनली फॉर माई सब्जेक्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. वेन एवर यू विल गेट एनी डाउट एनी क्वेरी इंस्टेड ऑफ जस्ट कंप्लेनिंग यू हैव टू अप्रोच द टीचर. मेरे को पक्का यकीन है कि कौन सा भी सब्जेक्ट है आप अगर टीचर को अप्रोच करोगे तो आपका 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द लेक्चर. टुमारो विल स्टार्ट विद द अर्थ्स मैग्नेटिज्म in continuation. Thank you. Thanks a lot. Bye.